सड़क पर दौड़ती अगर किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पर UP 34 लिखा हो तो समझ लीजिएगा यह गाड़ी सीतापुर जिले की है। ये वही सीतापुर है जो अपने विश्व प्रसिद्ध नैमी सारण तीर्थ स्थल के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। ये जिला उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक जिलों में से एक है। सीतापुर जिले ने सन 1857 की क्रांति में मुख्य भूमिका निभाई। सीतापुर जिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 79 किलोमीटर और भारत की राजधानी नई दिल्ली से 455 किलोमीटर दूर स्थित है। सीतापुर जिला कई सारे पड़ोसी जिलों से भी घिरा हुआ है। सीतापुर के उत्तर में लखीमपुर जिला, पश्चिम में हरदोई जिला, दक्षिण में लखनऊ एवं बाराबंकी जिला और पूर्व में बहराइच जिला स्थित है। सीतापुर जिला आज भी अपने अंदर कई सारे रहस्यों को छुपाए बैठा हुआ है। सीतापुर जिले की स्थापना कब हुई और किसने की ये आज भी कोई नहीं जानता है, परंतु कुछ लोगों का मानना है इस जिले को राजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित किया गया था। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है इस जिले का प्रथम नामकरण राजा तोडरमल द्वारा छतियापुर के रूप में किया गया था, जिसे बाद में सीतापुर जिले में स्थानांतरित कर दिया गया। यहाँ आज भी गाँव के लोग सीतापुर जिले को छीतापुर कहकर बुलाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान राम की पत्नी सीता जी के नाम पर इस जिले का नाम सीतापुर रखा गया था। भगवान राम ने अपने 14 वर्षों के वनवास का कुछ समय सीतापुर के जंगलों में भी बिताया था। सीतापुर जिले में स्थित खैराबाद वही स्थान है जहां पर शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था। युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर खैराबाद सल्तनत पर कब्जा कर लिया था। युद्ध में हारने के बाद हुमायूं सीतापुर और हरदोई के जंगलों में कई सालों तक भटकते रहे थे। लगभग 5783 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए सीतापुर जिले की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 44 लाख से ऊपर थी। सीतापुर जिले की 12% आबादी शहरों में निवास करती है, जबकि 88% आबादी गांव में रहकर अपना जीवन यापन करती है। जिले में कुल 7 तहसीलें मौजूद हैं, जो इस प्रकार से हैं: सीतापुर, लहरपुर, मिश्रिक, बिश्वा, मोहली एवं महमूदाबाद। जिले को 19 ब्लॉक में विभाजित किया गया है। यहाँ पर 3 लोकसभा क्षेत्र एवं 9 विधानसभा क्षेत्र स्थित हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से सीतापुर जिले में 69.29% हिंदू, 19.93% मुसलमान, 0.15% ईसाई और 0.35% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। सीतापुर जिले में प्रत्येक 1000 लड़कों पर 888 लड़कियां जन्म लेती हैं। जिले की साक्षरता दर 61.12% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 70.31% और महिला साक्षरता दर 50.65% है। यहाँ बोले जाने वाली मुख्य भाषाएं हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी हैं। गोमती, घाघरा, शारदा, चौका एवं सराय सीतापुर जिले की प्रमुख नदियां हैं। बरसात के महीने में चौका और घाघरा नदी का जल स्तर बढ़ जाने से सीतापुर जिले के कई गांव बाढ़ एवं कटान के चपेट में आ जाते हैं। सीतापुर जिले की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। गेहूं, धान, गन्ना, मक्का यहाँ की मुख्य फसलें हैं। शहर के उद्योगों में चीनी मिल, आटा मिल, दरी फैक्ट्री, कालीन उद्योग व कई सारे छोटे उद्योग मौजूद हैं। परंतु शहर में बड़ा उद्योग न होने की वजह से प्रदेश के अन्य शहरों की तरह सीतापुर जिले के लोग भी रोजगार पाने के लिए दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों की ओर पलायन करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि आगे वीडियो में सीतापुर शहर से जुड़ी कुछ ऐसी भी बातें हैं जो आपको हैरान करके रख देंगी। सीतापुर जिले से 65 किलोमीटर दूर स्थित है महमूदाबाद का किला। महमूदाबाद सल्तनत की स्थापना 1677 में इस्लाम के पहले वंशज राजा महमूद खान द्वारा की गई थी। ये किला लगभग 20 एकड़ के परिसर में फैला हुआ है। ये किला मुगल वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है। किले के अंदर आज भी कई सारे बाग बगीचे और पुस्तकालय मौजूद हैं। सन 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने किले के कुछ हिस्सों को तोड़ दिया था। हिंदुस्तान के बंटवारे के समय किले के राजा पाकिस्तान जाकर बस गए थे। सन 1968 में भारत सरकार ने शत्रु संपत्ति कानून के तहत किले सहित रियासत की सारी संपत्ति को जब्त कर लिया था।
लेकिन इस रियासत के वंशज आमिर मोहम्मद खान अपने अधिकार का दावा करते हुए 40 सालों तक मुकदमा लड़ते रहे और रियासत की सारी संपत्ति उनको कोर्ट के द्वारा फिर से मिल गई। सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन सीतापुर शहर के मुख्य रेलवे स्टेशनों में से एक है। ये रेलवे स्टेशन बरेली लखनऊ लाइन और सीतापुर गोरखपुर लाइन पर मौजूद है। यहाँ पर प्लेटफॉर्मों की संख्या 5 है। रोजाना हजारों की तादाद में यात्री सीतापुर रेलवे स्टेशन के जरिए आवागमन किया करते हैं। जननायक एक्सप्रेस, सत्याग्रह एक्सप्रेस जैसी कई अन्य प्रमुख रेलगाड़ियां सीतापुर जंक्शन पर रुका करती हैं। सीतापुर जिला अपने विश्व प्रसिद्ध आंख अस्पताल के लिए भी पूरे भारत में जाना जाता है। सन 1926 में सीतापुर से 5 किलोमीटर दूर खैराबाद कस्बे में इस अस्पताल की स्थापना डॉक्टर महेश प्रसाद के द्वारा की गई थी, परंतु आज के समय में सीतापुर आंख अस्पताल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सीतापुर शहर अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों की वजह से भी पूरे भारत में जाना जाता है। हर साल लाखों सैलानी सीतापुर शहर की खूबसूरती को देखने आते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से पर्यटक स्थल हैं जिनके बिना सीतापुर शहर का भ्रमण अधूरा है। नंबर 1, नैमिषारण्य। ये ऐतिहासिक तीर्थ स्थल सीतापुर के मुख्य पर्यटक स्थलों में से एक है। नैमिषारण्य को नीम सार के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सारे धामों की यात्रा करने के बाद यदि इस धाम की यात्रा ना की गई तो आपकी यात्रा अपूर्ण है। इस धाम का वर्णन पुराणों में भी पाया जाता है। नीमसार सीतापुर जिले से लगभग 34 किलोमीटर दूर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि पुराणों की रचना महर्षि व्यास ने इसी स्थान पर की थी। ये वही स्थान है जहां पर पहली बार सत्यनारायण की कथा भी हुई थी। नीमसार के अंदर चक्रतीर्थ, व्यास गद्दी, मनु सतरूपा तपोभूमि और हनुमानगढ़ी यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल है। यहाँ एक सरोवर भी है जिसे चक्रतीर्थ के नाम से जाना जाता है, जिसका मध्य का भाग गोलाकार के रूप में बना हुआ है और उससे हमेशा पानी निकलता रहता है। नंबर 2, महावीर पार्क। महावीर पार्क सीतापुर शहर के मुख्य पर्यटक स्थलों में से एक है। ये पार्क सीतापुर आंख अस्पताल के निकट ही स्थित है और सीतापुर जंक्शन से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। हालांकि महावीर पार्क और पार्कों की तरह काफी बड़ा तो नहीं है, लेकिन पार्क में लगे सुंदर फूल, पौधे और हरा भरा वातावरण लोगों के साथ साथ अन्य पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। यहाँ सुबह व शाम के समय पर्यटकों की काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। अंधेरा होते ही पूरा पार्क रोशनी में जगमगा उठता है। नंबर 3, ललिता देवी मंदिर। ये ऐतिहासिक मंदिर नीमसार धाम में स्थित है। ललिता देवी मंदिर एक प्राचीन मंदिर है और पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवी सती ने दक्ष यज्ञ के बाद योगी अग्नि में आत्मदाह किया था, तब शिव ने उनके शरीर को अपने कंधे पर लेकर तांडव करना शुरू कर दिया था। तांडव के कारण भगवान शिव ने देवी सती के शरीर को 108 भागों में विभाजित किया था। ऐसा माना जाता है कि देवी सती का हृदय नीमसार में मौजूद है और ललिता देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर रोजाना काफी ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है। अगर आप भी खरीदना चाहते हैं ऐसे कपड़े जिस पर लिखा हो आपके शहर का नाम, हम सीतापुर वाले हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा जहां पर आप इन कपड़ों को आसानी से खरीद सकते हैं। धन्यवाद।